दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत में विज्ञान विषय से पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए उनके लिए कैरियर का रास्ता खुल चुका है। अब आए दिन आपको नए नए तरह के जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको आते रहेंगे जो हमारा सीधे इसरो के साइंटिस्टों से संबंधित उनके पद पे होगा। तो अगर विज्ञान से पढ़ने वाले लड़के अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत आप जो है इस चीज़ को अपनाएं और इस क्षेत्र में आने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस क्षेत्र में अब बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र का इसका खुल चुका है, इसमें नए नए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें किस किस तरह की पोस्टिंग होती है, किस किस तरह की सैलरी की डिवाइडेशन होती है, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से शुरू से लेकर के आखिरी तक बताया जाएगा। दोस्तों अगर आप इसरो के साइंटिस्टों की सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा ये चैनल लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन से संबंधित आपको नई नई जानकारी देता है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कई पद होते हैं और ये पद विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पोजीशन, सैटेलाइट डायरेक्टर, स्पेस इंजीनियर, ट्रेनी साइंटिस्ट, असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर इंजीनियर, सैटेलाइट कंट्रोलर, स्पेस रिसर्च ऑफिसर, इन सब तरह की इसमें पद होते हैं। दोस्तों इसरो में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न पद होते हैं और ये पद उम्र और शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर भरे जाते हैं। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट और रोजगार समाचार पत्रिकाओं में नौकरियों में इसकी जानकारी दी जाती है। दोस्तों चपरासी से लेकर वैज्ञानिक तक की भर्ती के लिए अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं होती हैं। यहाँ सैलरी भी अलग अलग पद के लिए अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे इसरो में अगर कोई व्यक्ति बतौर इंजीनियर ज्वाइन करता है तो उसे शुरुआती सैलरी 37,400 से 67,000 रुपये तक की दी जाती है, जबकि अगर आपको इसरो में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में अगर भर्ती होते हैं आप तो उसकी शुरुआती सैलरी 75,000 से लेकर के 80,000 के बीच में होती है। जो भी सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक पे है, यानी कि इसमें कई तरह के भत्तों को अगर मिला दिया जाए तो ये 1,00,000 रुपये तक पहुँच जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों की सैलरी के साथ साथ कई तरह के उन्हें ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो किसी प्राइवेट नौकरी में आपको नहीं मिलती हैं, यहाँ तक कि वे किसी सामान्य सरकारी नौकरी में भी इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसमें घर, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसके साथ ही साथ ये सीधे केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं तो इनकी सैलरी समय पर आ जाती है। इसरो में कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिस पर नौकरी करने वालों को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, ये सैलरी किसी आईएएस या आईपीएस से कहीं ज़्यादा होती हैं। आपको बता दें कि साइंटिस्ट, इंजीनियर और डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ये ऐसे पद हैं जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट की सैलरी 2,05,400 रुपये, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट की सैलरी 1,82,200 रुपये, साइंटिस्ट इंजीनियर एच की सैलरी 1,44,200 रुपये, साइंटिस्ट इंजीनियर एस जी की सैलरी 31,100 रुपये, साइंटिस्ट इंजीनियर एस एफ की सैलरी 1,18,500 रुपये। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में देते रहें। धन्यवाद।